क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू पे क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करें। यारिस अग्रवाल बुक के एमसीक्यू एक्सरसाइज को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया LSA कितना दे रखा है, 256 मीटर स्क्वायर, ठीक। और वॉल्यूम आपसे पूछ दिया है। तो देखो लैटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है क्यूब का वो आपको मालूम होना चाहिए। वो होता है 4a² टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² और लैटरल सरफेस एरिया होता है 4a². तो लैटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, 4a² = 256, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग पहले साइड निकाल लेते हैं। तो साइड निकालना है तो a² = 256/4। 4 से आप कैंसिल कर लो, 4 6 24 4 4 16 64 हो गया। तो a² = 64 है तो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। अच्छा, a जब आपको 8 मिल गया तो अब आपको उस क्यूब का साइड निकाल लिया, साइड निकालने के बाद क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम यहाँ पे अब निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a³, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से आपको पता होना चाहिए, सारे सॉलिड्स के फॉर्मूले, उसके सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का आपको मालूम होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³ है तो ये हो जाएगा 8³ और ये हो गया 512 मीटर। अगर है तो ये मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इस समय हो गया 512, जो कि आंसर मिल रहा है डी पार्ट। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बता रहा है, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 13 में इस बार टोटल सरफेस एरिया बता रहा है क्यूब का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे सेम वही है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो फिर स्टेप वही हुआ ना, टोटल सरफेस एरिया बता रहा है तो टोटल सरफेस एरिया से हम लोग साइड निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, सो टोटल सरफेस एरिया = 64 सेंटीमीटर स्क्वायर में इस बार गिवन है। तो ये हो गया 6a² टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a² यहाँ पर a क्या है, a साइड ऑफ द क्यूब होता है, ठीक है ना। तो 6a² = 64, अभी यहां से a² = हो जाएगा 64/6 को कैंसिल कर लें। तो देखो जितना ये कैंसिल हो सकेगा कैंसिल कर लेंगे इसको, ये चीज 96 दिया है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर 64 नहीं है, ये है 96, ये हमने लिख दिया इसको 64, ये 96 है, इसको करेक्ट कर लीजिए। अब 96 यहाँ पर है और इसको अब हम लोग 6 से डिवाइड कर लें, तो ये कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स और 6। तो यहाँ से a² = हो जाएगा 16, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 होता है, a की वैल्यू मिल गई 4। तो आपने क्या निकाल लिया, साइड निकाल लिया क्यूब का, जिसका TSA 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा a³, तो 4 का क्यूब 64, ये आपका हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 64 सेंटीमीटर क्यूब, देखो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी वाला। तो आपने यहाँ पे पता लगा लिया कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, कंप्लीट कर लीजिए इसको। इन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बता रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में इस बार आपको क्यूब का वॉल्यूम बता दिया है। क्या बताया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि 512 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे इस बार TSA पूछा है, TSA, ठीक है। तो ये तो हमको मालूम है कि अगर क्यूब की बात की जा रही है तो अगर हम लोग उस क्यूब के साइड को मालूम कर लें तो जो भी इंफॉर्मेशन है बता सकते हैं। तो इस बार वॉल्यूम के हेल्प से हम लोग को साइड ही निकालना है, साइड मालूम कर लेंगे और फिर उसके बाद TSA बता देंगे 6a² से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वो हो जाएगा
ए क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू 512, और ये 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो साइड आपने मालूम कर लिया, साइड ऑफ द क्यूब आपको मिल गया 8 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम तो गिवन था, तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला यूज कर लो TSA का, TSA इज इक्वल होता है 6A स्क्वायर, क्यूब का TSA होता है 6A स्क्वायर, LSA होता है 4A स्क्वायर, वॉल्यूम होता है A क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें साइड जो आपने निकाली है इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 6A स्क्वायर दैट मीन्स 8 का स्क्वायर, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन आ रहा होगा 14 का 384, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बता दिया इसका बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। इन क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन फिट इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूबिकल वेसल है कुछ ऐसा, क्यूबिकल क्यूब है और ये क्यूब है, इसके इसमें आपको क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट रॉड फिट करना है। तो जैसे क्यूबॉइड हो या तो क्यूब हो, दोनों केस में आपको ये पता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड उसमें रखी जा सकती वो होता है उसका डायगनल। तो डायगनल दैट मीन्स आप इस एक किसी कॉर्नर के टॉप से और दूसरे कॉर्नर के एंड से आप इस तरीके से मिलाते हो, ठीक है। तो ये जो डायगनल का लेंथ होगा वही सबसे लॉन्गेस्ट रॉड होता है इनसाइड द क्यूब और क्यूबॉइड। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले भी हैं। जब क्यूबॉइड होता है तो क्यूबॉइड में डायगनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बट क्यूब के केस में यही होता है रूट थ्री इंटू ए। रूट थ्री इंटू ए इज द डायगनल ऑफ द क्यूब हूज साइड इज ए, साइड ए है, तो उस समय उसका जो डायगनल का फॉर्मूला होगा रूट थ्री इंटू ए होगा। चलो यहाँ पे अब डायगनल निकाल लो, तो डायगनल अगर आपको निकालना है तो साइड तो बता रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में, साइड कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, तो ये जो डायगनल होगा वो कितना हो जाएगा रूट थ्री इंटू ए, ए दैट मीन साइड, तो 10 रूट थ्री यहाँ पर आंसर आ रहा होगा, 10 रूट थ्री जो कि डी वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। 10 रूट थ्री इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड विच वी कैन केप्ट इन दिस क्यूबिकल वेसल, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 16, सी व्हाट इज गिवन इफ द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ अ क्यूब इज 823। तो देखो इस बार क्यूब के डायगनल का लेंथ दिया हुआ है और आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ द क्यूब, तो ये डायगनल ऑफ क्यूब आपको बता दिया है और ये है 823, ठीक है। फाइंड करना है आपको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दैट मीन्स जब भी सरफेस एरिया केवल बोलता है तो दैट मीन्स वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। जब तक वो लैटरल नहीं बोलेगा आप लैटरल नहीं निकालोगे, सरफेस एरिया दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब तो आपको पता है 6a स्क्वायर, a दैट मीन्स साइड, साइड मालूम हो जाए बस। तो ये जो डायगनल का क्यूब का जो डायगनल दिया है इसका फॉर्मूला यूज करके हम लोग पहले साइड फाइंड आउट करेंगे। तो डायगनल का फॉर्मूला होता है रूट थ्री ए, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया रूट थ्री ए, ए इज द साइड ऑफ द क्यूब और यहाँ हो जाएगा 8 रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल कर लिया आपने, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही गिवन है, हाँ ठीक है। तो अब आपको मालूम करना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हो जाएगा TSA, TSA हो गया 6A स्क्वायर, ठीक है। अब A की वैल्यू पुट कर लो, 6A क्या है 8 का स्क्वायर है, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया 64, और अभी भी इसका प्रोडक्ट किया था 384 ही आया था शायद, 384 होगा, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 16 का वो करेक्ट हो रहा है, तो बी ऑप्शन को आप करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 17,
इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया है कि आप ये कह रहा है कि उसके एज को जो साइड होता है क्यूब का उसको 50% इंक्रीज कर दें, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में कितना उसका परसेंटेज इंक्रीज होगा, परसेंट कितना इंक्रीज होगा। चलो बनाते हैं इसके लिए, एक क्यूब बना लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आपने क्लास 8 में परसेंटेज पढ़ा हुआ है, तो वहां पर ये बताया गया था कि अगर परसेंटेज ही गिवन है और परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो आप वहां पे जो भी डायमेंशन, जो भी वैल्यू लेनी है उसको 100 में, 10 में ऐसे वैल्यूज ले लो, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आप इसको साइड एज्यूम करके भी कर सकते हो, साइड को ए ले लो, एक्स ले लो, वो भी हो जाएगा। तो वेरिएबल्स में जाना पड़ेगा हमको। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि परसेंटेज गिवन है, तो हम कोई भी एक लेंथ लेकर के परसेंटेज के फॉर्म में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज से बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमको जल्दी से कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर लोग, इसके लेंथ को चलो 10 ले लेते हैं, 10 यूनिट ले लिया हमने, 10 यूनिट क्या है इसका लेंथ है, 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन इजीली हो जाए। अच्छा अभी देखो ये कह रहा है कि इसके साइड को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं 50%, तो किसमें इसका जो परसेंटेज इंक्रीज करना है, सरफेस एरिया में पूछ रहा है। तो पहले इसका 10 यूनिट, अगर 10 यूनिट इसका लेंथ लिया आपने, तो उस केस में पहले सरफेस एरिया कितना होगा देख लो। सरफेस एरिया इसका जो हो जाएगा वो जाएगा 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर दैट मीन 6 × 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 600 हो गया, ठीक है। 600 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, 600 स्क्वायर यूनिट आपको मिल गया इसका अभी सरफेस एरिया, जब 10 यूनिट है। अब क्या हो गया, अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द साइड, तो साइड 50% इंक्रीज हो रहा है। तो पहले कितना था, 100 है, पहले 100 है, अब कितना हो जाएगा, 100 का 50% हो गया, अरे 10 का, पहले 10 है, 10 लिया, 100 तो नहीं, 100 भी लेके कर सकते हैं, 10 लिया हम लोगों ने, तो 10 अगर इसका पहले साइड है, तो अब 50% इंक्रीज करेंगे, तो 10 का 50% हो जाएगा 5, तो 15 इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यू साइड जो हो जाएगा, न्यू इंक्रीज्ड साइड जो है वो कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 15 यूनिट। अब देखो पहले था 10 यूनिट और अब हो गया साइड कितना, 15 यूनिट। तो अब यहां पर 15 यूनिट होने पे इसका जो इंक्रीज एरिया है वो क्या होगा, हम लोग निकालना चाहते हैं। तो पहले इस न्यू साइड पर सरफेस एरिया क्या आएगा वो कैलकुलेट कर लें। तो यहां पर हो जाएगा न्यू सरफेस एरिया, तो न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर, इस बार 15 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 215 और इसका प्रोडक्ट कर लीजिए 0, 6 × 1 = 30, 3 × 6 = 39 हो जाएगा और 6 × 2 = 12, 290 स्क्वायर यूनिट। तो आपने देखा कि पहले कितना एरिया था, पहले जब 10 यूनिट लिया था आपने, उस समय एरिया आ रहा था उसका 60 स्क्वायर यूनिट। जब 50% साइड को इंक्रीज कर दिया, हाँ बस तो देखिए एक यहाँ करेक्शन करिए, ये 15 का स्क्वायर 225 लिखना था, बाय मिस्टेक 215 लिखा है, 225 कर लेंगे और इसका जरा फिर से प्रोडक्ट कर ले, तो आप प्रोडक्ट देख लीजिए कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30 हो गया, 3 आपके पास है, 6 × 2 = 12, 3 × 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 है आपके पास, 6 × 2 = 12 और 1 = 13, ठीक है, 1350 आ रहा होगा, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक आप लोग भी कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो अभी आपने देखा कि जो न्यू सरफेस एरिया है वो 1350 स्क्वायर यूनिट आपको मिल रहा है, ठीक। पहले कितना था, 600 स्क्वायर यूनिट था, कितना इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो पहले कितना इंक्रीज हुआ वो निकाल लें। तो इंक्रीज्ड एरिया कितना है, इंक्रीज्ड एरिया, तो इंक्रीज्ड एरिया हो जाएगा 1350 - 600, तो ये हो जाएगा 750, ये आ जाएगा 750 स्क्वायर यूनिट। क्या हुआ, 750 स्क्वायर यूनिट एरिया इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले एक क्यूब है जिसकी साइड हम लोगों ने 10 यूनिट ले ली, तो उस समय उसका जो सरफेस एरिया था 600 स्क्वायर यूनिट था, हर एक साइड को 5% 50% इंक्रीज किया गया, तो जो साइड हो गई न्यू साइड वो 15 यूनिट हो गई। अब आपने 15 यूनिट साइड लेकर के
1350 स्क्वायर यूनिट एरिया निकाल लिया, तो एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब कितना एरिया इंक्रीज हुआ, 750, और 750 एरिया इंक्रीज कहां से हुआ, 600 से हुआ। हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो जो बेस होगा वो तो हमारा ओरिजिनल वाला होगा जो पहले था, तो जो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये मालूम करने के लिए आपके आपको लिखना पड़ेगा 750 जो इंक्रीज एरिया है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया जो पहले था 600, और इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालोगे, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 750 अपॉन कहां से इंक्रीज हुआ है 600 से इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये कुछ इस तरीके से कैंसिल हो गया, 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा ये कैंसिल हो गया, और 3 से इसको यहां लिख दे, 3 2 जा एंड फिर इसके बाद 3 5 जा 15, ये 0 है, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 125%। तो आप देख सकते हो 125% एरिया इंक्रीज हुआ। अगर हम क्यूब के किसी क्यूब के साइड को 50% इंक्रीज करेंगे तो उसका सरफेस एरिया 125% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है डी, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम और दूसरे तरीके से करना चाहें तो वो भी कर सकते थे, यहाँ पे वैल्यू ना लेकर के हम वेरिएबल लेके चल सकते थे, वेरिएबल को ए ले लेते तो यहाँ पे साइड हो जाता 6a² उसको भी समझ लो, 6a² हो जाता पहला वाला आंसर जो पहले सरफेस एरिया था। अब 50% इंक्रीज करोगे तो 50% मतलब a प्लस 50% ऑफ a से आपको न्यू साइड मिलता a के ही टर्म में, साइड को वेरिएबल में रखते तो उस केस में आपका यहाँ पर वेरिएबल के टर्म में ही सरफेस एरिया आता, और फिर उसका डिफरेंस इसी तरीके से निकालते और आपको यहाँ पर इंक्रीज सरफेस एरिया वेरिएबल में ही मिलता जहां पे a लिखा हुआ होता, और फिर आप परसेंटेज ऐसे ही निकाल सकते हो। तो दोनों ऑप्शन थे, हमने नंबर लेकर के आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बता रहा है, इन अ शोअर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, नहीं अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 18 करना है, 18 के बाद देन 19, पहले 18 अभी है, तो ये 18 में आ जाते हैं वापस। 18 में क्या बताया, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल विथ ए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 3 क्यूब्स हैं, सॉलिड क्यूब्स हैं, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे ऐसे, एक ये है, एक कुछ इससे बड़ा है, ठीक है, और एक इससे भी बड़ा है, ठीक है। अब आप देखिए कुछ ऐसे क्यूब्स हैं हमारे पास, ठीक है, विजिबल हो जाए तो आप देखो यहां पर इसका जो डायमेंशन दिया है ये 3 सेंटीमीटर साइड का है, ये 4 सेंटीमीटर साइड का है, और ये 5 सेंटीमीटर साइड का है, ये 3 क्यूब्स हैं हमारे पास। अब इनको मेल्ट किया जाएगा और मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाएंगे, ये सॉलिड क्यूब्स हैं, इनको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके एक और क्यूब ही बनाएंगे, और वो सिंगल क्यूब बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है कि जो इन सारे क्यूब्स का वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, वो उस सिंगल क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। जैसे ऐसे समझो आपके पास 3 ग्लास हैं, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, सब में वाटर फिल है। अब आपने उन 3 ग्लास के वाटर को किसी अलग वेसल में पोर कर दिया, उसमें डाल दिया, ठीक है, तो उन वेसल ग्लास उन ग्लास में जो वाटर थे उनका जो टोटल वॉल्यूम होगा, जहां पर आपने उसको कलेक्ट किया तीनों के ग्लास के वाटर को, उसके टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा। दैट मीन्स शेप चेंज करते हैं तो वॉल्यूम आपका वही रहता, आपने तीनों में से लिक्विड को कलेक्ट किया एक जगह तो टोटल वॉल्यूम मैच करेगा। ऐसे ही यहां पर भी ये इंडिविजुअली तो इनका वॉल्यूम अलग अलग कुछ भी होगा, बट जब इनका हम टोटल करेंगे तो टोटल करने पे जो इनको मेल्ट करके जो एक नया क्यूब बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम और इन तीनों के टोटल वॉल्यूम का वो क्या देखेंगे, इक्वल होगा वो, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही निकालना है। तो पूछा क्या है जरा देखते हैं, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, दैट मीन्स जो आप न्यू क्यूब बनाने जा रहे हो इनको मेल्ट करके उसकी साइड चाहिए आपको, साइड निकाल लेंगे तो जो भी पूछ रहा है हम बता सकते हैं उस क्यूब के बारे में।
तो पहले क्या करेंगे, इनका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। तो टोटल वॉल्यूम दैट मीन इसका 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 सभी का वॉल्यूम का सम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल, वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऑल क्यूब्स, ऑल थ्री क्यूब्स, ऑल थ्री क्यूब्स। क्लियर हो गया होगा कि जो इस सिंगल क्यूब का वॉल्यूम होगा, जो हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं सिंगल क्यूब, इस सिंगल क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो इसका टोटल वॉल्यूम इन सभी क्यूब के वॉल्यूम्स के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप सिंगल क्यूब के साइड को ए ले लो, चलो इसके साइड को हम लोगों ने ए ले लिया, नहीं पता उसका साइड, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। सिंगल क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब। और यहाँ से इनके वॉल्यूम्स का सम लिख लो, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। भाई 3 सेंटीमीटर साइड का है, 4 सेंटीमीटर साइड का है, 5 सेंटीमीटर साइड का है, इनके वॉल्यूम्स का वो फाइंड किया और सम कर दिया। कैलकुलेट कर लो, 27, 64 और 125। इसको टोटल करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 152, 216। इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 216। और ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। आप देखो ये हो रहा है 6 का क्यूब है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब हुआ। तो आपने a की वैल्यू निकाल ली 6 सेंटीमीटर, a की वैल्यू आपने निकाल ली 6 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया कि जो न्यू क्यूब आपका फॉर्म हो रहा है उसकी जो साइड होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी। तो जो न्यू क्यूब की साइड अगर आपको पता चल गई है, तो फिर आपसे जो भी पूछ रहा होगा इस क्यूब के बारे में, चाहे वो वॉल्यूम पूछ दे, LSA पूछ दे, TSA पूछ दे, सब बता सकते हो फॉर्मूला यूज करके। तो इसमें पूछा था आपसे लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया अब हम लोग निकालेंगे LSA। LSA का फॉर्मूला जो क्यूब के लिए होता है वो होता है 4a2, तो लिखेंगे 4a2, तो 4 × 6² ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 36 को कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कौन सा आंसर मैच करेगा, 2144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी है, तो बी यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कंप्लीट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बता रहा है, इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, तो 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड। तो देखो ये 2 हेक्टेयर ग्राउंड आपने ले लिया, इसका जो एरिया है कितना है 2 हेक्टेयर, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, और रेनफॉल कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर कलेक्ट होगा 2 हेक्टेयर के फील्ड में, ठीक है। तो आप वॉल्यूम के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आपने अलग अलग पढ़ा है, जैसे फॉर्मूला पढ़ा है क्यूब क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम का, सिलेंड्रिकल शेप है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है, बट अगर एक इरेगुलर शेप है, भाई ये फील्ड है, फील्ड कैसा है वो नहीं पता, किस शेप का है नहीं पता है आपको ना, कि उसका शेप क्या है, जहां कलेक्ट हो रहा वाटर वहां पे क्या शेप होगा। तो हम लोग वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो होता है एरिया इनटू हाइट। जिस भी फील्ड की बात कर रहे हो उसका टोटल एरिया आपको मालूम होना चाहिए, जो कि मालूम है 2 हेक्टेयर, इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 2 हेक्टेयर एरिया मालूम होना चाहिए। और एरिया के साथ अब वहां पर हाइट आप बता देते हो, तो एरिया इंटू हाइट क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। जैसे और एक तरीके से समझो कि जैसे आप लिखते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हो ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एक एरिया इंटू होता है, ये एरिया के साथ जब आप हाइट का प्रोडक्ट करते हो कहीं पर भी, एरिया के साथ जब आप उस एरिया पे कितना हाइट आपको मिल रहा है इसका प्रोडक्ट आप करते हो, तो उस केस में आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। यही काम आपको यहाँ पर करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले इस एरिया को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में, और इस फील्ड में कितना वाटर कलेक्ट हो रहा है, उसकी हाइट है 5
सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर हाइट की अगर वाटर वहां कलेक्ट हो रहा है तो हाइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कर लेंगे। और फाइनली वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, एरिया इनटू हाइट से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एरिया को थोड़ा सा अपडेट कर लें। क्या है ये, 2 हेक्टेयर है। तो आप ये जानते हो कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर में है, तो 2 हेक्टेयर हमारे पास है एरिया, तो कितना हो जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर। जो एरिया होगा वो हो जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर, एरिया आपने फाइंड कर लिया। अब हाइट जो है वो क्या है, हाइट हम देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 5 अपॉन क्या कर लेना 100, तो 5 अपॉन 100 कर लिया तो ये मीटर में हो गया। अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वाटर का वॉल्यूम आप कैलकुलेट करने जा रहे हो इस फील्ड में जिसका एरिया है 2 हेक्टेयर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। क्लियर, अभी देखो एरिया आपने निकाल रखा है 20,000, तो 20,000 और हाइट 5/100, ये 0,0,0 कैंसिल हो गया और आप यहाँ 10, 5 × 2 = 10 किया आपने, 2 0 ये भी आ गया 1,000 मीटर क्यूब। तो 1,000 मीटर क्यूब वाटर कलेक्ट होगा 2 हेक्टेयर फील्ड में अगर 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है तो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है डी, डी है करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक के भी ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो आपके क्यूब क्यूबॉइड बेस्ड ही थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है वहां से स्टार्ट हो रहा है सिलेंड्रिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 20 लास्ट क्वेश्चन होगा और यहाँ पर आज हम लोग सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट, नहीं अभी 20 वाला जो क्वेश्चन है वो क्यूब क्यूबॉइड पे ही है, अच्छा क्यूब पे है। इसके बाद 21, 22 से जाकर के सिलेंडर आ रहा है, तो अभी 1-2 क्वेश्चन है जो कि क्यूब क्यूबॉइड पे ही है। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ रेशियो बता रहा है, रेशियो क्या बता रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स। तो देखो क्यूब 2 है और उन दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो एक का वॉल्यूम V1 ले लो फर्स्ट क्यूब का, दूसरे का वॉल्यूम V2 ले लो और ये हो जाएगा 1/27। ठीक है, और कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर ये क्या है क्यूब्स हैं तो क्यूब्स की साइड होगी, तो साइड को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, फर्स्ट क्यूब ले लेते हैं, एक फर्स्ट क्यूब आपने ले लिया, इसकी साइड आप क्या बता दे रहे हो, इसकी साइड आप बता दे रहे हो चलो A1। ठीक है, या A ले लो, चलो A ले लिया, और दूसरा क्यूब है और उसकी साइड आपने क्या ले ली B, इसकी साइड आपने ले ली B। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर V1/V2 फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम V1 लिया है, सेकेंड वाले क्यूब का वॉल्यूम V2 लिया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब होता है, और नीचे वाले के लिए आपकी साइड क्या है बी है, तो ये हो जाएगा बी क्यूब इज इक्वल टू 1/27। और आप देख सकते हो ये ए अपॉन बी का होल क्यूब, और इसको आप लिख सकते हो 1/3 का होल क्यूब। तो ये एक्सपोनेंट पढ़ा है आपने, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/3 आ गया। दैट मीन्स जो उनके साइड का रेशियो है, इन दोनों क्यूब के साइड का रेशियो है वो 1/3 आ चुका है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया का वॉल्यूम, तो V1 फर्स्ट वाले वॉल्यूम को क्यूब का जो साइड ए है उसको ले लेंगे, और फिर उसके बाद सेकंड जो क्यूब है जिसका साइड बी है उसको ले लेंगे, और दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो लिखेंगे। तो इसको हम लोग सरफेस एरिया फर्स्ट वाले क्यूब के लिए S1 लिख ले रहे हैं, इसके लिए S2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो इसके लिए जब सरफेस एरिया लिखोगे तो क्या हो जाएगा 6A² और इसके लिए जब सरफेस एरिया लिखोगे S2 के लिए तो 6B² हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो गया, A अपॉन B का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, A अपॉन B का होल स्क्वायर हो गया। और A अपॉन B जो रेशियो ऑफ साइड्स है वो ऑलरेडी आपने पहले ही निकाल लिया, कितना है 1/3, यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर और ये हो गया 1/9। तो दैट मीन जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 1:9, यहाँ पे जो रेशियो होगा उनके सरफेस एरिया का
वो हो जाएगा 1:9। और ये ऑप्शन नंबर देखो कौन सा करेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 का सी, सी ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है।